जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा घरेलू नुस्खे माँ के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लिकोरिया की, यानी कि श्वेत प्रदर भी कहते हैं, यानी कि वाइट डिस्चार्ज, यानी कि महिलाओं में सफेद पानी का जाना। ये एक वैसे सामान्य बीमारी भी है, लेकिन एक बड़ी भी परेशानी है। इसको हम घरेलू नुस्खों के द्वारा एकदम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले तमाम नुस्खों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ व्हाइट डिस्चार्ज की, यानी कि महिलाओं में सफेद पानी का जाना। ये एक सामान्य बीमारी या सामान्य प्रक्रिया तब कही जा सकती है जब पीरियड के एक दो दिन पहले या पीरियड के एक दो दिन बाद तक अगर ये कुछ स्राव होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसे थोड़ा आमतौर पर सामान्य माना जाता है। कभी कभी लगातार आपके एबॉर्शन किसी के हो रहे हो तो उस दौरान भी ये अगर वाइट डिस्चार्ज आता है तो वो भी एक थोड़ा सा नॉर्मल माना जाता है। डिलीवरी के बाद भी ऐसा अक्सर होता है, लेकिन अगर ये रेगुलर जाए, अगर ये रेगुलर जाता है तो किसी ना किसी संक्रमण का या किसी ना किसी रोग का लक्षण होता है। जब ये प्रक्रिया होती है शरीर में, अनइजी तो फील होता है, ये अगर महिलाओं में ये इस तरह की किसी को भी परेशानी होती है तो उन्हें बहुत थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर भी आते हैं और कमर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है और भूख भी नहीं लगती है। कहा जाता है कि अगर ये लगातार लंबे समय तक रहे तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, यानी कि व्यक्ति जो है, महिला, वो कमजोर होने लगती है दिन प्रतिदिन। ये सामान्यतः इसको बहुत लंबे समय तक चलने नहीं देना चाहिए। बहुत सारी दवाइयां हम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रोकथाम होती है, परमानेंटली नहीं होती है। घरेलू उपचार ऐसी चीज है जो इस तरह की परेशानियों को जड़ से खत्म करती है। हो सकता है कि एक ही दिन में आपको असर ना दिखाई दे, एक दो दिन में ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा अब थोड़ा कम हुआ, अब थोड़ा कम हुआ, और धीरे धीरे वो बिल्कुल जब एक बार बंद हो जाता है तो फिर वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होती है। आपकी अपनी किचन से ही लेकर आती हूँ बहुत सारे नुस्खे, तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर सफेद पानी, लिकोरिया, डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज की ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को है तो वो एक क्या कार्य करे कि एक चम्मच मेथी दाना जो हम किचन में यूज करते हैं उसको आधा लीटर पानी में भिगो दे, ठीक है, और उसको थोड़ी देर बाद उसको बॉईल करेंगे कि जब वो पानी आधा रह जाए इतना उसको उबालना है, और छान कर ठंडा करके नियमित एक बार पीने से आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत अधिक कड़वा है तो थोड़ा सा उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन एक तरह से अगर कोई शुगर का पेशेंट भी है तो उसके लिए रामबाण काम करेगा, क्योंकि शुगर को भी कंट्रोल करती है अगर आप मेथी का पानी पीते हैं, और ये उस परेशानी को, वाइट डिस्चार्ज को भी धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर देगी। इसके अलावा एक कार्य और कर सकते हैं, 2 चम्मच आपको साबुत धनिया लेना है, धनिया का बीज कहूं या साबुत धनिया कहूं, 2 चम्मच आपको साबुत धनिया लेना है, 1 गिलास पानी में रात को उसे भिगो दीजिए। आप उसे धोकर भी भिगो सकते हैं जिससे कई बार उस पर डस्ट वगैरह ना हो, उसे आप भिगो दीजिए। सुबह आप उस पानी को छान कर बिल्कुल ताजा का ताजा पानी खाली पेट नियमित पीना शुरू कर लीजिए। अगर आप मेथी नहीं पी सकते तो ये धनिया का पानी, आपकी बॉडी को शुद्ध भी करेगा, वेट भी कंट्रोल करेगा और ये श्वेत प्रदर की बीमारी को भी दूर करेगा। ये जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं ये वास्तव में बहुत जबरदस्त वाला काम करते हैं, और इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, आप घर में प्रतिदिन डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये बॉडी को अंदर से मजबूत भी करेगा, कमजोरी भी दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपका वेट काफी कम हो गया है और आपको कमजोरी महसूस होती है तो प्रातःकाल 1 केला लें, सुबह सुबह 1 केला लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी, जो भी आपका मन करे वो आप उसमें मिलाएं, और थोड़ा सा उसमें घी मिलाएं, और उसको मिक्स कर अगर आप खा सकते हैं और सुबह सुबह खा लेते हैं खाली पेट, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपकी इस बीमारी का तो अंत हो ही हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर में हड्डियां भी मजबूत होंगी, आयरन की कमी भी दूर होगी, और आपके अंदर जो कमजोरी, थकान, परेशानी है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो अगर इस तरह की बीमारी से कोई भी परेशान है, कोई भी महिला, बहुत बार इस तरह की परेशानियों को, बीमारियों को हम छुपाते हैं, किसी से बताते भी नहीं है, तो ये किसी भी युवती से लेकर बड़ी आयु तक, मेनोपॉज के समय में ये समस्या हो जाती है, और जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब भी बच्चियों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो टीनेजर से लेके और अबव एज तक कोई भी इसको इसी समान मात्रा में नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। करके देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।